तो तैयारियां अंतिम चरण में है, लेकिन जो अयोध्या के डीएम है उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। सीधे रुख करते हैं अपने सहयोगी अभिषेक उपाध्याय का। अभिषेक, ये राम भक्तों के लिए बड़ा तोहफा है, क्योंकि मंदिर को लेकर जो राम भक्तों में पूरे देश में उत्कंठा है, 22 के बाद बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, ऐसे में टाइम बढ़ाना तोहफा भी है और वक्त की जरूरत भी है। चलते करूंगा, बिल्कुल। देखिए, ये वाकई समय की मांग है, चूंकि यहां पर लाखों भक्त रोज आएंगे दर्शन करने के लिए, और ऐसे में अयोध्या के डीएम ने कहा है कि टाइम बढ़ाया जाएगा। अभी जो टाइम है 7 से 12 और 2 से 7, उसको बढ़ाया जाएगा और रात तक रामलला के दर्शन होंगे। ये जो खबर सुन रहे हैं और चेहरे पे खुशी दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल सर, बहुत शानदार लग रहा है और लग रही खबर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी खबर, रिपोर्टिंग बहुत अच्छी लगती है, हम लोग टीवी देखते रहते हैं। रामलला की रिपोर्ट, रामलला तो विराजमान है ही है। देर तक डीएम साहब ने कह दिया कि आप देर तक दर्शन कर पाए, चलेगा। हाँ हाँ, देर तक भीड़ हो जाती थी, ये बहुत जरूरी। अभी ये जानकारी आई है, डीएम साहब ने कहा है कि रामलला के दर्शन का टाइम बढ़ा दिया जाएगा, अब देर तक दर्शन होंगे। बहुत सही किया, क्योंकि लाइन पे हम लोग खड़े रहते हैं, पता चलता है बंद हो गया है। ऐसा भी हुआ है कई बार कि आप पहुंची नहीं कि बंद हो जाता है। अब ये है कि टाइम रहेगी तो जो लोग आए, आपकी सुन लिया, ये हम लोग भगवान ने सुन लिया। जय श्री राम, जय श्री राम। कहाँ से आए हैं हम लोग यही से। इधर भी प्रसन्नता दिखाई पड़ रही है, जिसके पास माइक दिखा रहा हूँ वो खुश दिखाई पड़ रहा है। जी जी, बहुत बहुत टाइम बढ़ रहा है रामलला के दर्शन का, क्या कहें। अरे बहुत, एकदम जान लीजिए कि मन खुश हो जा रहा है, जान लीजिए कि कह नहीं पा रहे, इतना नहीं पा रहे। जी जी, आप लोग कहाँ से आए। हम लोग अम्बेडकर नगर से आए हैं जी। पड़ोसी हैं आप। हाँ, पड़ोसी है। लंबी लाइन लग रही दर्शन के लिए। नहीं, अच्छा है, लाइन लग रही है। अब तो जब टाइम बढ़ने जा रहा है तो फिर तो ज्यादा समय मिलेगा दर्शन करने का। हाँ बिल्कुल मिलेगा। जी जी जी, मिल जाएगा। और ये श्री राम लिखा है बिटिया के, इधर आ जाओ। दीवा माथे पर ही श्री राम है, खुश हो इस बात से, अब समय बढ़ रहा है दर्शन करने का। हाँ। ये देखिए, आप जिधर देखेंगे अवधेश, उधर जो है दर्शन करने के लिए जो लोग आए हुए हैं उनकी यहाँ हमको संख्या दिखाई पड़ रही है। और देखिए, माथे पर सबके जो है श्री राम अंकित है, और चूंकि अब समय बढ़ रहा है दर्शन करने का, इस बात की खुशी है। यस सर, बहुत खुशी है। जय श्री राम, और से जय श्री राम, बहुत खुशी है। तो ये है अयोध्या का उत्साह। बिल्कुल, एक चीज और आपसे जानना चाहते हैं, जो नीतीश कुमार हैं अयोध्या के डीएम, उन्होंने कहा कि जो 22 तारीख का कार्यक्रम वो तो गाइडेड है, उस दिन जिसको बुलाया गया वही आए। 20-21 तारीख का भी जिक्र किया उन्होंने, तो क्या 20-21 को भी आम जनता वहां जाना अवॉइड करे तो उनके हित में है, 22 के बाद लोग दर्शन करें। बिल्कुल, वो यही कह रहे हैं कि देखिए, मकर संक्रांति है, वहां पर अयोध्या आए, लेकिन 22 तक कार्यक्रम हो जाए, उसके बाद आम जनता अयोध्या आए, और अयोध्या वासी हैं वो कहीं भी आ जा सकते हैं, मगर वो स्वागत के लिए रहेंगे। लेकिन यहाँ संख्या ज्यादा होगी, आमंत्रित अतिथि ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए 19, 20, 21, 22 ये ऐसे दिन हैं जहाँ पर लोगों से अनुरोध किया जा रहा है कि वो यहाँ ना आए और 22 तारीख के बाद अयोध्या में प्रवेश करें। बिल्कुल, और अयोध्या में मनोज्ञा भी बनी हुई है। मनोज्ञा, जिस तरीके से तैयारियां अंतिम चरण में है, लगातार नई नई चीजें देखने को मिल रही है, किस तरीके की प्रक्रिया चलेगी, क्योंकि कल से जो बड़े अनुष्ठान है उनका भी आगाज हो जाएगा, किस तरीके से श्रद्धालुओं को संभालने के लिए क्राउड मैनेजमेंट को लेकर चीजें हो रही हैं। देखिए, मैं आपको बहुत सारे मंदिरों में जो तैयारियां हो रही है ना, बड़े और छोटे मंदिरों में उनकी अलग अलग तैयारियों की तस्वीर दिखा रही हूँ। मैं इस समय हूँ काली देवी के मंदिर में, और काली के मंदिर में यहाँ पर आपको जितना काम यहाँ पर तालाब में होता हुआ दिख रहा है, उतना ही काम यहाँ पर कुएं में होता हुआ दिख रहा है। ये छोटे छोटे काम है, लेकिन इनको इसलिए बहुत जरूरी माना जाता है क्योंकि इसी के साथ आने वाले दिनों में जो भी यहाँ पर लोग आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, पहले इन मंदिरों में एक सूनी तस्वीर हुआ करती थी। यहाँ पर आपको ना ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था, ना आने जाने के लोगों के लिए व्यवस्था होती थी, और ये छोटे मंदिरों का अपग्रेड है वो उतना ही बड़ा है। आप बात सिर्फ राम मंदिर की नहीं है, राम मंदिर के साथ आसपास के छोटे मंदिर जहां पर वो हजारों लाखों श्रद्धालु आएंगे, वहां पर भी उसी तरह से युद्ध स्तर की तैयारियां चल रही हैं। और इन्हीं मंदिरों में जहां पर छोटी छोटी दुकानें हुआ करती थी, वहां पर अब बिजली की व्यवस्था कई गुना ज्यादा हो रही है। कई ऐसे इलाके अयोध्या में जहां पर लोड शेडिंग की समस्या, पावर किट की समस्या बहुत ज्यादा है, लेकिन अब उस पर भी सुधार आ रहा है। सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है, और सोलर एनर्जी के साथ साथ जब आने जाने की समय सारणी बदल जाएगी, मंदिर में दर्शन की समय सारणी बदल जाएगी, तो उसके साथ आने वाले श्रद्धालुओं को भी यहाँ पर ज्यादा समय बिताने का और ज्यादा सुविधाओं के साथ दर्शन करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, और उनको काफी सुविधाएं होंगी। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।